हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एन लव में। हेलो, इस दिन का बहुत दिन से वेट कर रही थी क्योंकि आज मुझे एक गिफ्ट मिलने वाला है। देखिए निशु कितनी खुश है, लग रहा होगा अब गिफ्ट मिलेगा तो खुशी होंगी। तो गिफ्ट है बहुत बड़ा सा हाँ, आज मुझे बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, बता दो। अभी इसके लिए आपको लास्ट में ब्लॉग देखना पड़ेगा आप लोगों का कि निशु के लिए कौन सा सरप्राइज गिफ्ट है। नहीं, सरप्राइज क्या निशु को पता है ऑलरेडी, आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो गाइस, हम लोग घर से हरदोई के लिए निकल चुके हैं क्योंकि मेरा जो गिफ्ट है वो शाहजहांपुर में मिलेगा। काफी लंबा रास्ता चल के जाना पड़ेगा तब मिलेगा। पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे हरदोई, हरदोई में इनके फ्रेंड है सिद्धार्थ पांडे, उनको लेंगे, उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शाहजहांपुर। ना शाहजहांपुर है? हाँ, शाहजहांपुर जाना है। निशु का गिफ्ट वही शाहजहांपुर में है, वहीं से लेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये देखिए, मैंने ओमू को ले लिया है, ओमू भी आएगा। ओम गुस्से में लग रहा है, गुस्से में क्योंकि श्वेता को नहीं लाई ना। ओम और श्वेता की जोड़ी हमेशा साथ में रहती है, दोनों साथ ही में जाते हैं, हमेशा कहीं भी जाते हैं। वो लेकिन इसलिए नहीं आई क्योंकि बहुत दूर जाना था और गाड़ी में वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाती है, उसको सबको पेशेंट होने लगता है। इसलिए मैंने कहा कि बस जाके हमें फिर वापस नहीं आना, इसीलिए हम ही लोग जा रहे हैं। टायर्ड हो गए लेकिन अब यहाँ हरदोई से हमें शाहजहां इनके फ्रेंड को लेके फिर शाहजहांपुर जाना है। वो कितने किलोमीटर दूर है वहाँ से? यहाँ से अप्रोक्सीमेट 90 किलोमीटर टायर्ड में 2 घंटे और तब जाके मुझे मेरा तब जाके मुझे मेरा गिफ्ट मिलेगा। पर मैं वेट कर लूंगी, कोई बात नहीं, उसका वेट कर लूंगी। और इतना ज्यादा रस है रोड पे कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपको परेशान होगी इतनी बेकार वे उस पर। अरे नहीं, ऐसा नहीं, हरदोई काफी अच्छा है। और यहाँ पे कुछ मैंने बोला ठीक है, हरदोई लेके आए इतने साल से, रहे 4 साल से, तो हमें भी कुछ घुमा दे। बता नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं घूमने के लिए। एक कोई टेम्पल बता रहे, कौन सा टेम्पल है? यहाँ पे श्रवण देवी मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है, वहाँ पे घूमने लायक। हाँ, श्रवण देवी मंदिर है ये। इनका बताना है कि उस मंदिर में जो प्रहलाद और हिरण्य कश्यप का जो स्टोरी है वो यहीं से हरदोई, मतलब हरदोई का पूरा नाम हरिद्रोही, मतलब जो भगवान के जो विरोधी थे हिरण्य कश्यप, उनके नाम पे इस जिले का नाम पड़ा है हरदोई। हरदोई ये भी बोल के काफी कुछ जान गए यहाँ रह रहे के। बस 5 साल से, 5 साल में बस ये एक टेम्पल का नाम ही मुझे बता पाए कि बस वही है यहाँ पे। और काफी जगह घुमाने के लिए यहाँ पे साली पक्षी विहार है। अच्छा, तो पक्षी विहार चिड़ियाघर, जैसे हम लोग क्या चिड़ियाघर होता है वहाँ, यहाँ पे एक पक्षी विहार है। अच्छा, पक्षी विहार, वहाँ पे पक्षियाँ हैं, एनिमल्स भी हैं? नहीं, वहाँ केवल पक्षी विहार है, केवल पक्षी हैं। अच्छा, देखते हैं समय बचेगा तो वहाँ चला जाएगा। और अभी मुझे शाहजहांपुर जाना है। अभी तो पहले हम लोग हरदोई पहुंचे थे, इनके फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। ये देखिए, इस घर में हम रहते हैं यहाँ पे, और ये हैं सिद्धार्थ पांडे हमारे फ्रेंड। मैं हरदोई में इसी घर में लगभग 5 साल से रह रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारे फ्रेंड हैं सिद्धार्थ पांडे, और मैं 5 साल से इन्हीं के घर में रह रहा हूँ। हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं लेकिन इशू, और ये इनका घर। दोस्तों, हम लोग शाहजहांपुर के लिए हरदोई से निकल चुके हैं। निशु, जानते हो
शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं जो हरदोई से लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और निशु का गिफ्ट जो है शाहजहांपुर में किया है। हम लोग अब जा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए हम लोग शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं और मेरा जो गिफ्ट है वो यहीं पर है। दोस्तों ये है निशु का सरप्राइज। अब चलते हैं कौन सी गाड़ी निशु के लिए हम ले रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं हुंडई के शोरूम में। ये देखिए मेरी गाड़ी है और यही मेरा सरप्राइज था। और निशु आने वाला है। एक्चुअली मेरी जो गाड़ी थी वो बहुत पुरानी थी इसलिए हमने नई गाड़ी ले ली है। अब मैं इसी से जाऊंगी तो निशु के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था। निशु को ये पता था मैं निशु को एक कार गिफ्ट कर रहा हूँ पर कौन सी है ये पता नहीं था। तो निशु को कार कैसी पसंद आई? पसंद आई आपको? निशु को कार बहुत पसंद आई। अब आप लोग को भी दिखाते हैं देखिए। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को मेरी कार निशु की कार कैसी लगी। अभी तू वो लेके आ रहा होगा लेकिन ये अंदर का इंटीरियर है हुंडई ओरा का। ये स्टीयरिंग व्हील देखिए, ये बैक सीट कवर, ये फ्रंट सीट कवर है। निशु सरप्राइज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये हमारी गाड़ी नई गाड़ी आ गई है। हम लोगों को दरअसल व्हाइट कलर ज्यादा पसंद था। पिछली बार मैं किसी कारणवश व्हाइट नहीं ले पाया था। दिखाइए देखिए व्हाइट में कितनी टूटी लग रही है। चला लोगी? निशु को ड्राइविंग नहीं आती है लेकिन ड्राइविंग का शौक है। नहीं मैं पीछे नहीं बैठूंगा, पहले तुम ड्राइव करो। चाबी तो लगाओ तब तो चालू होगी। देखो हमें बाहर किया। बाय बाय। मैं नहीं आ रहा। ये हुंडई ओरा का सीएनजी मॉडल है। कौन फ्रंट सीट पे? नहीं बैक सीट पे बैठ के देखो कैसा है। तो गाइस हम लोगों ने गाड़ी देख ली है और मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई है और अब हम लोग गाड़ी के पेपर की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने जा रहे हैं। ये देखिए ये पेपर साइन कर रहे हैं। इनका कहना था कि ये गाड़ी ये मेरे लिए ले रहे हैं पर ये नाम तो अपने करा रहे हैं। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, बताते हैं कि आपके लिए ले रहे हैं पर वो अपने ही नाम करा लेते हैं।
ये हुंडई की अलेक्जर कार देख रही हैं, जो कि 7 सीटर है। निशु ये अपनी नहीं है, निशु इसको भी चलाना चाह रही है। वाव, अंदर का इंटीरियर तो बहुत ही बस मस्त है। बड़ी 7 सीटर है, काफी ज्यादा। हम तो सिटी में दरअसल हैं, तो सिटी में काफी ज्यादा रश के लिए अच्छी है, और कानपुर के लिए तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब रश बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से हम लोगों ने ऑरा ली है, जो सेडान है, सेडान मॉडल और सीएनजी है। निशु पसंद है कार? बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए। निशु को मैंने ये मैंने बर्थडे का बहुत पहले गिफ्ट दे दिया। अब निशु दोबारा मुझसे बर्थडे का गिफ्ट नहीं मांगेंगे? नहीं, मैं बर्थडे के दिन भी दूंगी। अब देख रहे बर्थडे के दिन सरप्राइज खत्म हो गया ना, गिफ्ट का मतलब होता है सरप्राइज। भैया आप लोग यही किया करिए, गिफ्ट बर्थडे के दिन दिया करिए। अब मेरा गया, अब मुझे दूसरा कोई गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। अब बर्थडे के दिन मैं बताऊंगा कौन सा गिफ्ट होगा ना। मुझे बर्थडे के दिन सरप्राइज क्या होगा? अच्छा ठीक है, एक सरप्राइज गिफ्ट छोटा सा कोई दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? छोटा सा? इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया तब भी कह रही छोटा सा। वैसे कैसा लगा आपको? आप लोग भी बताइएगा कि मेरी ओरा गाड़ी कैसी। और हाँ गाइस, सबसे ज्यादा मैं आप लोग को बता दूं कि ओरा लेने का मेन रीजन ये था सीएनजी। एक्चुअली ओरा जो पेट्रोल प्लस सीएनजी मॉडल है, क्योंकि इस समय सीएनजी से एक तो पॉल्यूशन कम होता है, और दूसरा ये है कि पेट्रोल जानते एक्चुअली हम लोगों का अधिकतर अप डाउन हो जाता है काफी लॉन्ग रूट पे, लखनऊ कानपुर या लखनऊ से हरदोई। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक सीएनजी गाड़ी ले, और मेरी जो गाड़ी थी हुंडई आइटन वो काफी पुरानी थी, उसको हटा दी है। हटा दी एक्चुअली हटा हम लोगों ने 1 महीने पहले ही दी थी, लेकिन मैंने 1 महीने से निशु मेरी कार यूज कर रही थी, मैं पैदल था। मतलब मैं दोस्तों के साथ और साथ में अपने जो स्टाफ या उनकी लिफ्ट से काम चला रहे थे। हाँ, मैं लिफ्ट लेके काम चला रहा था, और निशु से मैंने कई बार लिफ्ट ली है। मैं बहुत खुश हूँ। खुशी दिख रही हुए चेहरे पे, इतनी बड़ी गाड़ी लेके। अभी स्टार्टिंग में ये गाड़ी इनके पास रहेगी, मैं बाद में। हाँ, मैं थोड़ा उसका मतलब कि जो एसेसरीज होती है और जो फिटिंग होती है ये सब मैं करा के तब निशु को, मान के चलिए कुछ दिनों बाद निशु को मैं हैंड ओवर कर दूंगा, तब तक मैं चलाऊंगा। क्योंकि निशु वैसे भी जो गिफ्ट मुझे देती है बाद में खुद ही यूज करती है। ये क्या? ये तो आपने दी है ना हमें? अच्छा, ये मैंने दी है, लेकिन अब मैं इसे ही मैं यूज करूंगा। बदला लेना है मुझे। चलो बदला ही अब चलो, ये अलेक्जर अपनी गाड़ी नहीं है। चलो एक्चुअली बात ये थी कि मैंने इन्हें एक आईफोन गिफ्ट किया था, जो दैट टाइम मैं यूज कर रही हूं। मतलब शादी के बाद इन्होंने आईफोन मुझे ताने देते रहते हैं कि तुमको गिफ्ट देती हूँ और ले लेती हूँ। मतलब गिफ्ट देंगी, उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चलेगा, मैं कहूंगा अच्छा मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, यूज कर तो परमानेंटली यूज कर लेंगे, फिर मुझे देना नहीं है। और एक चीज और अभी मैं बताऊंगा नहीं, मुझे एनिवर्सरी में देखिए इन्होंने ये लैकेट मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था। एक दिन मैंने उसमें कुछ मेरे गले में उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसको बनवाने के लिए वहां दिया। उसके बाद निशु ने परमानेंटली उसे अपने लिए यूज कर लिया। अब मैं भी थोड़ा ज्यादा अर्धांगनी है, अर्धांगनी नहीं पूरी अर्धांगनी, मतलब समझ लीजिए पूरा। चलिए गाइस, आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगा, और काफी दिनों बाद हम लोग एक साथ हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। दोस्तों हम लोगों ने कार बाई कर ली है, और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। फिर जल्दी मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स, बाय, कैन लव।